बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्मार्ट स्कूल क्लास वन स्मार्ट मैथमेटिक्स यूनिट सिक्स फ्रैक्शंस पेज 85 रिकॉग्नाइजिंग इक्वल एंड अनइक्वल पार्ट्स। पिक्चर ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पिक्चर बी को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इक्वल पार्ट्स यानी कि सारे पार्ट्स साइज में एक जितने हैं, और पिक्चर सी को अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि तीनों पार्ट्स एक जितने नहीं हैं, ये पार्ट इन दोनों से बड़ा है। ऑल रेक्टेंगल्स अबव आर नॉट डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स। ऊपर दिए गए इन रेक्टेंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया। रेक्टेंगल ए एंड बी आर डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स। A and B are divided into equal parts. Rectangle C is divided into unequal parts. और rectangle C को unequal parts में divide किया गया है। Question number 1. Tick the shapes which are divided into equal parts. आप इस शेप को देखें, इसको चार हिस्सों में तकसीम किया गया है और चारों हिस्से साइज में बराबर हैं। सो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सो इसको टिक करें। आप इस शेप को देखें, इस सर्कल को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन तीनों पार्ट्स का साइज एक जितना नहीं है, सो हम इसको टिक नहीं करेंगे। इस शेप को देखें, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और तीनों पार्ट्स का साइज एक जितना है, सो ये शेप भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सो इसको भी टिक लगाएं। पेज 86 क्वेश्चन नंबर 2। ड्रा द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन योर एक्सरसाइज बुक। पार्ट ए 1/4। 1/4 का क्या मतलब है? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4। और शेयर्ड या कलर्ड पार्ट्स कितने हैं? 1। सो हमने 1 पार्ट को कलर्ड कर दिया है, सो इसका मतलब है 4 पार्ट्स में से एक पार्ट को कलर्ड किया गया है। बी 3/4। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4। और कलर्ड पार्ट्स कितने हैं? 3। 1, 2, 3। सो 3 पार्ट्स को कलर्ड किया गया है। सी 1/5। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और कलर्ड पार्ट्स कितने हैं? 1। डी 1/10। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और कलर्ड पार्ट्स? 1, 1। क्वेश्चन नंबर 3। मैच द फ्रैक्शंस। इन पिक्चर्स को इन फ्रैक्शंस के साथ मैच करना है। टोटल पार्ट्स इस पिक्चर में कितने हैं? 1, 2। और कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1। सो इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/2। सो 1/2। सो इन दोनों को मैच करें। बी टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1। सो 1/10। 1/10। सो इसको इसके साथ मैच करें। सी इस पिक्चर में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4। और कलर्ड पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3। सो 3/4। सो 3/4। सो इस पिक्चर को इस फ्रैक्शन से मैच करें। थैंक यू किड्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन सून विद अनदर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।